हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सरेकाल, केम छो। मैं वीके सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द जोरावर क्लासेस में। तो बच्चा लोग, आज की जो हमारी क्लास है, तो मैंने प्लान किया है कि आपके लिए मैं कुछ लाया हूँ वर्तनी, स्पेलिंग्स। बहुत दिनों से हमारी स्पेलिंग्स की क्लास नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो कुछ बच्चों के कमेंट्स देखे थे, तो उन बच्चों ने कुछ स्पेलिंग्स के बारे में मुझे कहा था कि सर कुछ शब्दों को लेकर आइए। तो मैंने ये अलग अलग एग्जाम में जहां पर भी स्पेलिंग्स पूछी गई हैं, ठीक है ना, उनको एकत्रित करके आपके समक्ष लेकर आया हूँ। आई होप आप इन स्पेलिंग्स को जल्दी से अपने नोट्स बना लेंगे। और आज की हमारी जो स्पेलिंग्स हैं वो खास क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ कि आज हमारी जो स्पेलिंग्स की जो क्लास रहेगी वो हमारी बाइलिंगुअल रहेगी, ठीक है। बाइलिंगुअल रहेगी यानी कि द्विभाषी रहेगी, हिंदी भी चलेगी साथ साथ में और अंग्रेजी भी चलेगी। तो आज जब आप आंसर करेंगे तो ध्यान रखना कि जैसे ही आपको कोई भी वर्तनी दिखाई देगी, ठीक है, जब वो वर्तनी सही वर्तनी होगी तो उसको जैसे आपने हिंदी में लिखने के सामने और उसके साथ साथ में उसको इंग्लिश में भी लिखें, इससे होगा क्या कि जो आपका इंग्लिश का जो टर्म जो आपका सब्जेक्ट है उसमें भी आपकी इम्प्रूवमेंट होगी वोकेबलरी की। हिंदी के साथ साथ में अंग्रेजी भी आप आज वर्तनी करेंगे। अराउंड 25 क्वेश्चंस, स्पेशल क्वेश्चंस जो कि लगातार फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं अलग अलग परीक्षाओं में, मात्र ऑप्शन चेंज करके नए प्रश्न बना दिए जाते हैं, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, और लाइक कर दीजिए अगर आपने वीडियो देखनी स्टार्ट कर दी है तो। और जिन बच्चों के पास ये नंबर नहीं है उनसे अनुरोध है कि इस नंबर पे आप जरा एक व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए किसे, अंकित सर को। अंकित सर आपके जो है वो जो कि आपको जीके पढ़ाते हैं और आपको कंप्यूटर पढ़ाते हैं और अभी उन्होंने साइकोलॉजी भी स्टार्ट करी है, ठीक है। वो उनको कहिए कि आपको पीआरटी या टीजीटी या पीजीटी वाले ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिससे आपको आने वाली कभी भी वीडियो की जो यूट्यूब की नोटिफिकेशन है समय पर आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप के माध्यम से। और आप क्या करें, नीचे जाके हमारा टेलीग्राम का लिंक है उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। आपने कोई भी क्वेरी हो तो आप वहां पे हमसे बात कर सकते हैं। और दूसरी बात के जिन बच्चों को और डिटेल में पढ़ना है हिंदी का कंटेंट, नॉट ओनली हिंदी, सभी कंटेंट को जो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि हमारे टीचर्स ने मिलकर एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है, अपना एक कंटेंट तैयार करा है सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वाइज, तो आपको कहाँ मिलेगा वो, द जोरावर क्लासेस आपका जो प्ले स्टोर है वहां पर जाके आप टाइप करेंगे तो आपको एप्लीकेशन दिख जाएगी, ठीक है। मैं अभी आपको बताऊंगा लोगो कैसा है, ठीक है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे आप, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद कुछ डेमो क्लासेस दिखाई देंगी, डेमो क्लासेस के बाद आप कर सकते हैं एनरोल अगर आप उससे सेटिस्फाई हैं। एनरोल करेंगे तो जितनी भी वीडियोस हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, जीके वगैरह वगैरह सबकी, तो वो क्या हो जाएंगी, वीडियो सारी अनलॉक हो जाएंगी। आप उसको देखिए और अपने नोट्स बनाइए सुंदर सुंदर से, ठीक है। तो चलिए करते हैं आज की क्लास का प्रारंभ पहला प्रश्न के साथ। ये रहा, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जी हाँ, तो मैं जो जरावर क्लासेस के एप्लीकेशन का जो आइकन बता रहा था वो कुछ इस तरह का दिखता है, यही है, इसके तरह कोई और नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो बताइए जल्दी से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, ए बी सी डी। आगे आने वाले प्रश्नों में हो सकता है आपके आपको ऐसा भी दिखाई दे, आ ब स और द, आप अपने ऑप्शन ए बी सी डी ही रखें, ठीक है। जो भी आपको लग रहा है, जैसे ए का मतलब वो क्वेश्चन नंबर वन का आपको बी लग रहा है या सी लग रहा है या डी लग रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर पहला सही उत्तर हो गया जी, बहुत बढ़िया, आंसर नंबर डी, शानदार। बहुत तेजी के साथ बच्चे हमारे आंसर देते हैं, क्योंकि तो हमारे जो एक्टिव लर्नर्स हैं तुरंत जैसे ही उन्हें पता है क्लास का टाइम शुरू हो गया है वो यहाँ पर आ जाते हैं। अगला पढ़ते हैं प्रश्न नंबर दो, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें, ठीक है। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। तो यहां पर इस शब्द को, ये शब्द क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, बताता हूं, ठीक है। ये आपको यहां पे गलत शब्द दिया है, सही शब्द डालना है, ठीक है ना, सही वर्तनी डालनी है। कौन सी है, ए बी सी या डी। जी बहुत बढ़िया, इसका
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी, सर ये क्यों नहीं हुआ, ठीक है ना? मैं आपको बताऊं, ये भी हमारा शब्द सही है तद्भव की दृष्टि से, ठीक है, तद्भव की दृष्टि से। परंतु ये जो हमारा जो ये शब्द है, ये कक्षा पहली और दूसरी तक ही सीमित रह जाता है, क्योंकि वहां पर रा वाली और ये री वाली और ये ग्र वाली, ये वाली जो रा वाली साउंड होती है, ठीक है ना, ये इंट्रोड्यूस नहीं की जाती है। बट ये बड़े क्वेश्चन है, बड़ी क्लासेस के लिए, वो भी कॉम्पिटिशन क्लासेस की है, तो वहां पर इस तरह की गलती नहीं करते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। और देखिए बहुत आसान है, देखिए जैसे ही रा जब आपको दिख रहा है रा, तो रा अगर पहले बोला जाता है तो वो अगले शब्द के ऊपर ऊपर ऐसे करके आ जाता है ई की मात्रा की तरह, ठीक है, आसान है। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीन। प्रश्न नंबर तीन कह रहा है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जी शुद्ध वर्तनी बताइए कौन सी है, तीनों ही बोलेंगे तो अन्वेषण ही निकलेगा। आपको सही स्पेलिंग की पहचान करनी है कि सही स्पेलिंग, सही वर्तनी कौन सी है, ठीक है, ए बी सी या डी। जी बहुत बढ़िया, अन्वेषण, अन्वेषण हो जाएगा आंसर नंबर ए। इंग्लिश में लिख लीजिए इसको, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्सप्लोरेशन, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, एक्सप्लोरेशन। और उससे पहले जो शब्द थे कौन कौन सा, उन्नति, उन्नति जो हमारा पहला आंसर था वो था टू प्रोग्रेस, लिख लीजिए टू प्रोग्रेस, और एक था दुर्गम, उसके बाद नंबर दो वो था हमारा पाथलेस, ठीक है, थर्ड आ गया हमारा अन्वेषण एक्सप्लोरेशन। ये पहला था, ये दूसरा था और ये तीसरा है, ठीक है, लिखते रहेंगे हिंदी में भी इंग्लिश में भी साथ साथ में, इसी तरह नोट्स हमारे सुंदर बनते रहेंगे। प्रश्न नंबर चार में चलते हैं, क्या कह रहा है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जी जल्दी से बताइए कि इन चारों में से शुद्ध वर्तनी है कौन, ठीक है, ये जानवी आपको पता होगा, नाम होता है, एक संज्ञा है जानवी। जी बताइए जानवी कौन सा हो जाएगा, कुछ बच्चे थोड़ा गलत कर रहे हैं। यहां पर आपका हलंत है, ये इसमें आ नहीं पाया, हलंत है। तो देखिए इसमें ये गलत हो गए, केवल और केवल यही आंसर ठीक है, जानवी। जानवी में हा वाला हलंत है और ना आपका अधूरा है, ठीक है, अगला बढ़े। चलिए प्रश्न नंबर पांच, प्रश्न नंबर पांच कह रहा है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब बताइए शुद्ध वर्तनी इनमें से है कौन सी, ए बी सी डी। अधोपतन, आधिपतन, अधपतन और आधपतन। जी एक्चुअली अगर यदि आपने किसी चीज को आपने पढ़ा हो कहीं पर, डी जेनरेशन, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज की समाप्ति, पतन होना, डी जेनरेशन, ठीक है, कमी होना, डी जेनरेशन, तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हो गया आंसर नंबर सी, अधपतन, ठीक है, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, शुद्ध वर्तनी में आता है, इस तरह के ऑप्शन देता है और कंफ्यूज हो जाते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डी जनरेशन। अच्छा प्रश्न था। प्रश्न नंबर छह में चलते हैं, प्रश्न नंबर छह कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए इन चारों में से शुद्ध वर्तनी है कौन सी, सृष्टि, सृष्टि, दृष्टि या सृष्टि, पता नहीं कैसे इसको बोलेंगे, पता नहीं, ऑप्शन बनाए थे ना, जरूरी नहीं कि इनको आप सही तरह से बोल पाए, ये तो एग्जामिनर है वो कैसे बना सकता है। जी बहुत बढ़िया आंसर, देखो बच्चों लोगों के बड़े तेजी के साथ आए, ठीक है, क्या है इसका आंसर, आंसर नंबर सी, इंग्लिश में लिख लीजिए क्रिएशन, ठीक है, बनाते हैं ना, हमारे क्रिएटर कौन है, ब्रह्मा जी, ठीक, कौन है, ब्रह्मा जी। अगला बढ़े प्रश्न नंबर सेवन, सात, प्रश्न नंबर सात कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कृप, और ये तो बोल ही नहीं पाएंगे, कृपा, कीरिपा और कृपा, तो डी ओ आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा,
जो सीधा सीधा प्रश्न है उसके बारे में टाइम नहीं खराब करेंगे। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जल्दी से बताइए। देखिए, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पर इस तरह की पोस्ट पर कोई काम करता है, ठीक है, क्या आप बोलते हैं उसको? तहसीलदार, तहसीलदार। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अब तहसीलदार क्या करेगा? तहसीलदार ही करेगा। क्लियर होगी बात? बात समझिए, तहसीलदार क्या करेगा? तहसीलदारी करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। यदि ये प्रश्न कभी फ्यूचर में आ जाता है तो देखिए बताता हूँ आपको, ये इसमें दो शब्द हैं आपके, तहसील और तहसीलदारी। तहसील शब्द आपका अरबी है और दार आपका फारसी है, ठीक है। तहसील आपका अरबी शब्द है, उर्दू वाला शब्द है, और दार आपका फारसी शब्द है, जैसे आपने समझा वफादार, ठीक है। अगला बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 9 पर। 9 कह रहा है, क्या कह रहा है? कि शुद्ध वर्तनी पहचाननी किसकी? अपकीर्ति की। देखिए आप लगभग लगभग मिला जुल के लिख रखे हैं अपकीर्ति, पर देखिए जो कि सही बच्चे जिन्होंने पहचान लिया है वो देखिए आंसर भी कर रहे हैं, आंसर नंबर बी अपकीर्ति करेक्ट आंसर है। अपकीर्ति का मतलब क्या होता है, जल्दी से कोई कमेंट करके बताइए। अपकीर्ति को क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं, चलो मैं बताता हूँ। अपकीर्ति को बोलेंगे इंग्लिश में इनफेमी, इनफेमी, ठीक है। यानी कि जब आप किसी चीज की आपका नाम खराब हो, ठीक है, इनफेमी। फेम तो जानते होंगे ना, उसका उल्टा अपोजिट हो गया। अगला बढ़े। देखिए कई बार ये क्वेश्चन बताया था मैंने, क्योंकि बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, कि 6 को क्या बोलते हैं, 6 को क्या बोलते हैं हिंदी में? ये गलत होता है, गलत होता है, और यही आपका सही होता है, 6। बहुत बढ़िया, कुछ तो बच्चे एकदम बिल्कुल तैयार रहते हैं, बस क्वेश्चन पूछो और रॉकेट की तरह आंसर देते हैं। अगला देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आप देखेंगे ध्यान से तो आपको जो नाम है ये तरुण दिखाई देगा, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं तरुण, ठीक है, तरुण। अब तरुण को आप किस तरह से सही वर्तनी में लिखेंगे? यहाँ पर देखिए तरुण दो तरह से लिखा गया है अगर आप देखेंगे, और यहाँ पर देखेंगे आप ध्यान से कि यहाँ पे रामे है ऊ की मात्रा और इधर रामे है बड़े ऊ की मात्रा, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर दो शब्द हो गए, अलग अलग शब्द हैं याद रखें, पर जो नाम होता है वो क्या होता है? वो होता है आंसर नंबर ए, ये नाम है। देखिए रा वाला कंसेप्ट थोड़ा बता देता हूँ आपको। देखिए जो रा होता है, ये थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि आप उसको समझ पाए। ये जो रा होता है ये दो तरह से बनता है, जब ये रू बनता है, मैं दोनों ही बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। जब ये थोड़ा इस तरह से होगा तो ये आपका रू बन गया, यानी कि इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, इसमें ऊ है। और जब ये इस तरह से और इस तरह से रहेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऊ। फॉर एग्जाम्पल इसके मैं एग्जाम्पल अगर लिखूं तो देखिए ये हो जाएगा आपका रुद्र, और रुचि, ठीक है। और इसका यदि मैं एग्जाम्पल लिखूं तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा रूप, ठीक है। और क्या हो जाएगा, जो एक फ्रूट होता है कौन सा है, अमरूद, ठीक। तो ये हो गया, ये बड़ा वो होता है ये वाला। ध्यान से देखिए, बनाने की थोड़ी सी हल्की सी मिस्टेक हो गई और गलत आंसर हो गया। ये आंसर हमारे यहाँ पे क्या है, आंसर नंबर ए, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपको नियम बताया है। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, सही वर्तनी बतानी है कुमुदनी की, ठीक है। कुमुदनी आपको पता है पर्यायवाची है किसका, फूल का। आपने वो लाइन पढ़ी होगी, उसकी सुनी होगी कुमार विश्वास जी की, कोई भंवरा कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, ठीक है। कुमुदनी पर, कुमुदनी मतलब फ्लावर पर। तो बताइए कुमुदनी की स्पेलिंग, सही स्पेलिंग क्या होगी कुमुदनी की? जी बहुत बढ़िया, आंसर नंबर सी, ठीक है। 12 का क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी। और कुमुदनी को इंग्लिश में बोलते हैं नाइट, NIGHT, नाइट फ्लावर, लिख लीजिए कुमुदनी, ठीक है, नाइट फ्लावर।
अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13। बहुत आसान सा प्रश्न है, आपने कई जगह पे पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। अक्सर ये आपके जो ये टेक्निकल शब्द है, आपके जो भी आप कोर्स कराए आपने, डाइट का, एसटीसी का, डीएड का, डीएलएड का, बीएड का, ठीक है, तो उसमें टेक्निकल शब्द है, किसी भी काम को करने को बोला जाता है क्रियान्वित। जी हाँ जी, तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, क्रियान्वित। ये दोनों गलत हो गए, क्रियान्वित नहीं होता। अब यहाँ पे देखें क्रियान्वित, तो क्रिया में तो क्रिया तो है ही ना, ठीक है, क्रिया और अन्वित, ठीक है, तो ये इंग्लिश में क्या हो जाएगा हमारा, इंग्लिश में लिखिए जरूर, लिखना ना भूले इंग्लिश में भी, एग्जीक्यूट, ठीक है, एग्जीक्यूट, किसी भी काम को करने का एकदम फाइनल डिसीजन हो जाना और शुरू कर देना, एग्जीक्यूट कर देना। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। शुद्ध शब्द बताना है समसामयिक का, अगर आपको पता है तो देखिए, ये अक्सर आज की किताबें भी आती हैं समसामयिक की, आप पढ़ते भी होंगे, अगर आप जीके के नोट्स वगैरह बनाते हैं तो आपको इस तरह की किताबों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सही शब्द की बताना है कि सही शब्द होता कौन सा है। जी बताइए जल्दी से उत्तर, ए बी सी डी जी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, देखिए मैं आपको सिखाता हूं क्या बोलते हैं इसको, आपको स्पेलिंग आती होगी किसकी, टेम्पररी की, ठीक है, अस्थाई कोई चीज बोलते हैं ना, टेम्पररी, ठीक है, तो उसके आगे बस आप क्या जोड़ते हैं, CON, तो ये क्या बन गया, कंटेम्पररी। कंटेम्पररी को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, समसामयिक, ठीक है, समसामयिक। क्लियर हो गई बात, बहुत अच्छा शब्द है ये, एक नृत्य कला भी है कंटेम्पररी, एक ये डांस की पद्धति भी बताई जाती है। अगला बढ़े प्रश्न नंबर 15। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, हस्तावलंबन लिखा है, बताइए क्या होगा, गलत मैं मिटा देता हूं। जी बताइए, ए या डी, हस्तावलंबन होता है, वलंबन नहीं होता, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर डी, हस्तावलंबन। इसका मतलब वो किसी का सहारा प्राप्त करना, यानी कि स्टेक होल्डर, तो स्टेक होल्डर समझते हैं, तो किसी चीज का, किसी से सहारा प्राप्त लेना, किसी चीज का सहारा प्राप्त लेना। प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं, त्रुटि युक्त वर्तनी की पहचान कीजिए, यानी कि इसमें बता रहे कि जो कि गलत वर्तनी है उसकी पहचान करनी है, मूंगफली, हार्दिक, परोक्ष और उज्जवल। ये इंग्लिश में भी लिखते रहिए, मूंगफली को क्या बोलते हैं, पीनट बोलते हैं, आपने खाए भी होंगे पीनट, ठीक है, पीनट्स। हार्दिक को क्या बोलते हैं, हार्दिक को बताइए जल्दी से कमेंट करके, हार्दिक को बोलते हैं ना वाम, ठीक है, तो जब खुश होते हैं ना आप तो बोलते हैं ना हार्दिक शुभ, तो वाम ब्लेसिंग्स। परोक्ष को क्या बोलते हैं, जी परोक्ष को जल्दी से, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है। आज की क्लास हमारी इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज हम उसके साथ हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश की भी स्पेलिंग्स पढ़ रहे हैं, और लास्ट में उज्जवल की क्या है, उज्जवल को बोलते हैं ब्राइटर, ब्राइटर, ठीक है। अब यहाँ पे कहना है गलत स्पेलिंग कौन सी है, ये तो इंग्लिश की सारी ठीक लिख दी मैंने, गलत स्पेलिंग कौन सी है इसमें, गलत है ये वाली, क्या गलत है बता देते हैं, गलत लिख लीजिए, मतलब सही लिख लीजिए उज्जवल, ये आपकी सही स्पेलिंग है जो कि यहाँ पर ये गलत दी हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। 17 पढ़िए कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, सैंधव, सैंधव को इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्स, ठीक है, आर्य जो अपने साथ लेकर आए थे वो क्या लेकर आए थे, सैंधव लेकर आए थे, ये कुछ टेक्निक, वो पर्यायवाची है, घोड़े का, अश्व का, तुरंग का, घोटक का, एक ही चीज, ठीक है, तो सैंधव की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, मैं जैसे बोल रहा हूँ आपने सुन भी रहे होंगे, सैंधव, तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बच्चों ने तेजी के साथ आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं, कह रहे त्रुटि युक्त, फिर वही गलत, रॉन्ग स्पेलिंग का बताना है कि इनमें रॉन्ग स्पेलिंग है कौन सी, प्रश्न नंबर 18 में
संस्कृति को क्या बोलते हैं? संस्कृति को बोलते हैं कल्चर, कल्चर। शीर्षक को क्या बोलते हैं? टाइटल। वैमनस्यता को क्या बोलते हैं? एनमिटी, एनमिटी। और औषधि को क्या बोलते हैं? दवा, मेडिसिन। ठीक, अब देखिए कह रहा है गलत स्पेलिंग देखने। संस्कृति की स्पेलिंग एकदम करेक्ट है, शीर्षक की स्पेलिंग एकदम करेक्ट है, वैमनस्यता की स्पेलिंग एकदम करेक्ट है, तो गलती कहाँ है? औषधि में, क्योंकि यहां पर क्या आएगा? छोटी की मात्रा आएगी धी पर, तभी हमारी स्पेलिंग सही होती। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बच्चों ने तेजी से उत्तर दिया इसका भी। प्रश्न नंबर 19 पे जाते हैं। शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है, बताइए ए बी सी डी में से सही शब्द कौन सा है। आत्मानुशासन, इंग्लिश में बोलेंगे आत्मानुशासन को सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन, बताइए इसके लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर हो जाएगा आत्मानुशासन, आत्म अनुशासन। ठीक है, इसमें जुड़ा है आपका आत्म प्लस अनुशासन। ठीक है, बहुत बढ़िया, अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है आपको जी, बतानी है आपको सही स्पेलिंग कौन सी है प्रशासनिक की, और प्रशासनिक को इंग्लिश में बोलते हैं, लिख लेंगे, पूछ लेता है ये स्पेलिंग एरर में, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस, एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, लिख लेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव को लिखते कैसे ये भी आपको जरूर आना चाहिए, तो ये उसका शब्द होता है प्रशासनिक, प्रशासनिक, सनिक, सानिक नहीं, और ये तो प्रश है, इधर सानिक है, प्रशासनिक, आंसर नंबर ए। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। देखिए अब इसके बारे में चिंता रहने दीजिए, कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं सर क्या पढ़े, क्या पढ़े, क्या पढ़े, कहां से पढ़े। ठीक है, आप लोग सही दिशा में हैं, अगर जोरावर क्लासेस को आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने जो लक्ष्य है उसके बस उसके रास्ते पे आप चल चुके हैं। ठीक है, बस आपको अपना रास्ता नहीं बदलना है। ठीक है ना, बस, और जैसे घोड़े के जो साइडों में लगे होते हैं ना दो, बस उसको सामने सामने का दिखता है, तो बस ऐसे ही सामने देखिए। ठीक है ना, और आपके साथ तो हम चल ही रहे हैं, उसके बारे में आपको बिल्कुल बेफिक्र रहकर आप बस चैनल को फॉलो करते रहिए, जो भी वीडियोज आपको दिखाई दे रही है, सारे प्रश्न करने की कोशिश कीजिए, और हर एक प्रश्न को जब आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन बताया जाता है तो उसके अपनी भाषा में अपने तरीके से नोट जरूर बनाएं। केवल मात्र सुनने से कुछ नहीं होगा, भूल जाओगे, अगली बार कभी प्रश्न आएगा संबंधित तो आप उसका उत्तर नहीं दे पाओगे, श्योर हूं, डैम श्योर। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ा चुके हैं तो ऐसे में पता है कि बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं, तो इसलिए अभी आपके पास टाइम है, तो जो एक एक प्रश्न जब भी करते हैं अगर वो आपको आता भी है तो क्या करो, उसकी एक ट्रिक लाइन लिख लो, उसका एक उसको हाईलाइट कर लो, उसका कलर चेंज कर दो, मतलब पता होना चाहिए कि इसमें क्या हुआ था। जैसे कि देखिए यही देखो, अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कौन सी वर्तनी सही है, स्पष्टोक्ति। ठीक है, स्पष्टोक्ति की सही स्पेलिंग है क्या जी, बताइए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे ओपननेस। ठीक है, ओपननेस, तो बताइए स्पष्टोक्ति की सही वर्तनी कौन सी है। देखिए स्पष्टोक्ति जब बोल रहा हूं मैं तो यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां पर आपका है ये स्पष्ट और इसमें जुड़ा है आपका ओक्ति। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने इसका भी आंसर दिया, अच्छा लगा देख के। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है, बताइए कौन सी वर्तनी सही है, देख लेते हैं एक बार। प्रध्यानाध्यापक, प्राचार्य, प्राचार्या, उपरोक्त सभी। हाँ जी, लग तो देखो सारे सही रहे हैं, इंग्लिश में देख लीजिए इनको, लिख लीजिए, वैसे पता भी होगा आपको, हेडमास्टर। ठीक, और इन दोनों का ही क्या होता है, प्रिंसिपल की स्पेलिंग जो आएगी तो याद रखे लास्ट में आपको इस तरह से दे देगा, पी एल ई। ठीक है, पी एल ई वाला क्या होता है, सिद्धांत होता है, और ये आपका क्या होता है, प्राचार्य।
ये कौन से प्रचार्य है, ये आपका मेल प्रचार्य, और ये कौन से प्रचार्य है, ये आपकी फीमेल प्रचार्य। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर इसका हो जाएगा डी, सारे ही ठीक हैं। अगला बढ़े प्रश्न नंबर 23 पर, कह रहा है निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है, बताइए कौन सी वर्तनी आपको सही लग रही है। आधिकारिक है, आधिकारिक को अगर मैं इंग्लिश में लिखूं, लिख लीजिए ऑफिशियल, कहते ना आधिकारिक रूप से कहा गया तो ऑफिशियली कहा गया। ऑफिशियल मतलब जो जहां पर भी जो भी बड़ा अधिकारी बैठा है उसके कलम से कुछ चीज लिखी गई है, बताई गई है, ठीक है, सुनाई गई है, या मेमोरेंडम निकाला है, ठीक है, ज्ञापन निकाला है वगैरह वगैरह। तो बताइए उसके सही वर्तनी क्या होगा आधिकारिक की। जी बहुत बढ़िया, सही वर्तनी हो गई आधिकारिक, आधिकारिक, ठीक है, ऑफिशियल, आधिकारिक रूप से बताया ना। अगले बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 पर, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, बताइए कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। देखिए कवि का इंग्लिश स्त्रीलिंग, इंग्लिश में लिखे पहले कवि की जो स्त्रीलिंग है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैसे बोलते हैं पोएटस, पोएट लिख लीजिए, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा टाइगर, टाइगर हो गया मेल, और ई डबल एस लगाने क्या बन गया, शेर का, ओ, बाघ का बाघिन, ये बाघ था और ये पूरा क्या है बाघिन। तो ऐसे ही ये जो पोएटस है ये हो गया मेल कवि, ठीक है, जैसे कि कुमार विश्वास, और अगर हम इसमें जोड़ दिया हमने ई डबल एस तो ये क्या बन गया फीमेल पत्र, वो फीमेल कवि। अब फीमेल कवि को हिंदी में क्या बोलेंगे, उसकी सही स्पेलिंग भी आनी चाहिए। तो आंसर क्या है हमारा, आंसर नंबर सी, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों का एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है, पर हम डिटेल में जाते हैं तो थोड़ा सा लंबा लग जाता है, इतने बच्चे आंसर धड़ कर देते हैं। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 पे, कह रहा है किस वाक्य में वर्तनी गलत इस्तेमाल हुई है, गलत इस्तेमाल देख लेते हैं किस किस वाक्य में हुई है। माता पिता से आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, सारे ठीक लग रहे हैं, माता पिता से आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, आशीर्वाद भी ठीक है ना, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने बोला ना आशीर्वाद, तो र का चला गया ऊपर चला गया। जज ने अपराधी को मृत्यु दंड की सजा दी, ये भी ठीक है। आगे देखिए, द्वार पर सन्यासी आए हैं, ये भी ठीक है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे, जी देखिए इसमें थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, चलिए मैं आंसर बता देता हूं आपको। देखिए सन्यासी की स्पेलिंग आती है और बच्चे गलत कर देते हैं, याद रखें सा पे न की बिंदी आती है, याद रखें बिल्कुल भूले नहीं, सा पे किसकी बिंदी आती है, ना की, तो यहीं पे क्या है वर्तनी गलत इस्तेमाल हुई है। तो ये आंसर क्या हमारा हो जाएगा सी, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये थी हमारे कुछ ऐसी टॉप 25 स्पेलिंग्स करी है हमने, ठीक है ना, 25 स्पेलिंग्स करी है। आई होप आपको 5 याद हो या 7 याद हो या 8 याद हो, ठीक है, जो भी याद हो जल्दी से अपना बताएं और अपना हमको बताएं कि आपका आज का स्कोर कितना है, नाम के साथ अपना नाम लिखे और अपना उसके बाद स्कोर लिखे। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम है 20/25, 20 ठीक है, 25 टोटल क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए अगली वीडियो में दोबारा से मिलेंगे, तब तक अपना और पुंगे वाला का ध्यान रखिए, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।